सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू केतन व्लॉग्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो गाइस, अगेन मैं आज आप लोगों के लिए एक और ऑटोमोबाइल रिलेटेड व्लॉग लेकर आ चुका हूँ। सो गाइस, आज के इस व्लॉग के अंदर हम लोग कंपैरिजन करेंगे बिटवीन द टू प्रीमियम हैचबैक्स। तो गाइस, एक रहेगी अपनी हुंडई i20 एंड एक रहेगी अपनी वॉक्सवैगन पोलो। गाइस, दोनों ही कार्स इंडिया के अंदर वेरी पॉपुलर कार्स रहने वाली है। तो गाइस, इन दोनों के बीच में एक डिटेल्ड कंपैरिजन करेंगे आज के इस व्लॉग के अंदर। तो गाइस, इस कंपैरिजन को जल्दी स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द कंपैरिजन। तो गाइस, कंपैरिजन को फर्स्ट फैक्टर से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, वो फर्स्ट फैक्टर रहेगा लुक्स का फैक्टर। लुक्स एक ऐसा फैक्टर है जो हर किसी के लिए मैटर करता है। हर किसी की डिफरेंट चॉइस होती है। किसी को पोलो पसंद आएगी तो किसी को अपनी i20 पसंद आएगी। तो गाइस, किसी को स्पॉटी लुक्स चाहिए होती है तो किसी को नॉर्मल एक सिंपल सॉबर सी प्यारी सी लुक चाहिए होती है। तो गाइस, अगर मैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ, जैसा कि ये लुक्स का फैक्टर हर किसी का पर्सनल ओपिनियन होता है, गाइस मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि मुझे पोलो जो है वो ज़्यादा बेस्ट लगती है एज़ कम्पेयर टू i20। i20 की लुक्स जो है गाइस, वो ज़्यादा स्पॉटी लगती है। उसकी एजी लुक्स की वजह से वो ज़्यादा स्पॉटी दिखती है गाइस i20। बाकी पोलो मेरे को ओवरऑल फ्रंट साइड रियर सारी प्रोफाइल से गाइस अपनी जो पोलो है वो बेस्ट लगती है लुक्स के मामले में एज़ कम्पेयर टू i20। i20 के अंदर प्रोजेक्टर हेडलैम्प जैसे फीचर्स भी आ जाते हैं, LED टेल लैम्प्स भी आ जाते हैं, बट गाइस फिर भी मेरे को पोलो ही ज़्यादा बढ़िया लगती है। पोलो एक अलग सी गाइस फील ऑफर कर देती है, रियली ये बात सही है बिल्कुल। तो गाइस, बाकी आप लोगों का ओपिनियन है, आपको कौन सी कार ज़्यादा पसंद आती है। मेरे को पोलो ज़्यादा बढ़िया लगती है। आप लोगों की स्क्रीन पर दोनों ही कार्स की लुक्स डिस्प्ले हो रही होगी, तो आप लोग कमेंट डाउन कर ज़रूर बताना कि आप लोगों को कौन सी कार की लुक्स ज़्यादा पसंद आती है। तो गाइस, मूव करते हैं नेक्स्ट फैक्टर के ऊपर। नेक्स्ट फैक्टर रहेगा गाइस एक बहुत ही ज़्यादा मेजर फैक्टर, जो कि रहेगा प्राइसिंग का फैक्टर। हर किसी का एक बजट होता है, हर किसी का एक बजट सेट होता है कि इतने बजट में मुझे कार खरीदनी है। तो गाइस, प्राइसिंग की बात कर लेते हैं दोनों ही कार्स की। तो गाइस, पहले i20 के प्राइसिंग की बात करते हैं। तो गाइस, i20 का जो बेस वेरिएंट है वो 6.85 लाख एक्चुअल दिल्ली में स्टार्ट हो जाता है, एंड इसका टॉप एंड वेरिएंट गाइस आप लोगों को 11.34 लाख का मिल जाता है एक्शोरूम दिल्ली में। वहीं गाइस, अब पोलो की बात करें तो गाइस, पोलो का जो बेस वेरिएंट है वो 6.16 लाख में आप लोगों को मिल जाएगा एक्शोरूम दिल्ली। वहीं इसका टॉप एंड वेरिएंट जाता है 9.99 लाख का एक्शोरूम दिल्ली। तो गाइस, अब मैंने आप लोगों को दोनों ही कार्स की जो प्राइसिंग है बेस एंड टॉप वेरिएंट की वो बता दिया है कि कहाँ से लेके कहाँ तक जाती है दोनों कार्स की प्राइसिंग है। तो आप लोग अपने हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से एक बार देख सकते हैं कि आपको कौन सी कार ज़्यादा बेस्ट लगती है। तो अगर मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट फैक्टर के ऊपर। नेक्स्ट फैक्टर रहेगा हमारा डायमेंशंस का फैक्टर, कि गाड़ी के अंदर क्या कुछ लेंथ वेट हाइट ऑफर की जाती है। तो मूव करते हैं डायमेंशंस पे। तो गाइस, लेंथ से स्टार्ट करते हैं। Hyundai i20 में गाइस आप लोगों को 3995 mm की लेंथ ऑफर की जाती है। वहीं अपनी पोलो में आप लोगों को 3971 mm की लेंथ ऑफर की जाती है। वेट की बात करें तो गाइस आप लोगों को i20 में 1775 mm की वेट ऑफर की जाती है। वहीं अपनी पोलो में आप लोगों को 1682 mm की वेट ऑफर की जाती है। हाइट आप लोगों को i20 के अंदर 1505 mm की मिलती है। वहीं पोलो में आप लोगों को 1469 mm की हाइट मिलती है। तो गाइस देख सकते हैं i20 वाइडर लॉन्गर टॉलर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पोलो के। व्हील बेस की बात करें तो आप लोगों को i20 में 2580 mm का व्हील बेस मिलता है। वहीं पोलो में 2470 mm का व्हील बेस आप लोगों को ऑफर किया जाता है। तो गाइस मेन सारी डायमेंशंस मैंने आप लोगों को बता दिए, जैसे कि लेंथ वेट हाइट व्हील बेस वगैरह। बाकी आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ओवरऑल सारी डायमेंशंस डिस्प्ले हो रही होगी, इंक्लूडिंग द ग्राउंड क्लियरेंस एंड द कार्पेट ऑफ बोथ द कार्स। तो गाइस, ये हो गया हमारा डायमेंशंस का फैक्टर। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट फैक्टर के ऊपर। नेक्स्ट फैक्टर रहेगा गाइस हमारा इंजन स्पेसिफिकेशंस का फैक्टर। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, अपनी जो पोलो है वो सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल इंजन के अंदर अवेलेबल है। डीजल का कोई ऑप्शन नहीं मिलता गाइस आप लोगों को पोलो में। वहीं i20 के अंदर आप लोगों को 3 इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं। एक रहेगा अपना नेचुरल एस्पिरेटेड 1.2 लीटर का कापा पेट्रोल इंजन, एंड एक रहेगा 1.0 लीटर का टर्बो GTI पेट्रोल इंजन अपनी i20 के अंदर, एंड एक रहेगा गाइस अपना 1.5 लीटर का U2CIDI डीजल इंजन। वहीं पोलो की बात करें तो वहाँ पर भी आप लोगों को 2 पेट्रोल इंजन ऑफर किए जाते हैं। एक रहेगा 1.0 लीटर का MPI पेट्रोल इंजन, एंड एक रहेगा 1.0 लीटर का TSI पेट्रोल इंजन। तो गाइस, दोनों ही कार के पेट्रोल इंजन की स्पेसिफिकेशंस मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी डीजल इंजन की स्पेसिफिकेशन आप लोगों की स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल जो दोनों ही कार्स के अंदर पावरफुल इंजन मिलते हैं, यानी कि जो टर्बो इंजन मिलते हैं, उनकी स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं। तो गाइस, i20 में जो 1.0 लीटर का टर्बो GDI पेट्रोल इंजन आता है, उसकी डिस्प्लेसमेंट आप लोगों को 998 cc की मिलती है। ये इंजन मैक्सिमम पावर आप लोगों को 118.36 bhp की जनरेट कर दे देता है, एंड मैक्सिमम टॉर्क आप लोगों को 171.6 Nm का ये इंजन जनरेट कर दे देगा।
वहीं पोलो की बात करें तो 1.0 लीटर का जो TSI पेट्रोल इंजन आता है उसकी डिस्प्लेसमेंट रहेगी 999cc की, एंड मैक्सिमम पावर ये इंजन 108.6 bhp की जनरेट करता है। वहीं मैक्सिमम टॉर्क आप लोगों को 175 Nm का मिल जाता है अपनी पोलो के अंदर। तो देख सकते हैं आप लोग पावर के मामले में अपनी Hyundai i20 आगे रहेगी, एंड टॉर्क के मामले में पोलो का इंजन आगे रहेगा। गाइज अगर वैसे बात करें, अगर ड्रैग रेसिस हो दोनों ही कार्स की, तो गाइज पोलो का इंजन एकदम खींच के चला जाता है। गाइज पोलो का इंजन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इंजन माना जाता है इन द सेगमेंट ऑफ प्रीमियम हैचबैक, जैसे कि अल्ट्रोज होगी, अपनी नियोस होगी, i20 होगी, इनसे जो है थोड़ा पावरफुल इंजन है गाइज पोलो का। पोलो एकदम खींची चली जाती है अगर हम लोग ड्रैग रेस करवाएं दोनों कार्स की। तो अगर हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकली तो पोलो का इंजन ज़्यादा पावरफुल है, बट अगर स्पेसिफिकेशंस पे जाए तो गाइस अपनी i20 की पावर ज़्यादा है एंड पोलो के इंजन का टॉर्क ज़्यादा है। तो गाइस अब दोनों ही कार्स के अंदर जो नॉर्मल नेचुरल एस्पायरेटेड पेट्रोल इंजन आते हैं उनकी बात करते हैं, तो गाइस जो Hyundai i20 में 1.2 लीटर का कापा पेट्रोल इंजन आता है उसकी डिस्प्लेसमेंट आप लोगों को 1197cc की मिलती है। वहीं ये इंजन मैक्सिमम पावर 81.86 bhp की जनरेट करता है, एंड मैक्सिमम टॉर्क आप लोगों को 114 Nm का ये इंजन जनरेट कर दे देता है। तो गाइस ये इंजन सेम आप लोगों को नियोस के अंदर भी ऑफर किया जाता है एंड ओरा में भी ऑफर किया जाता है। एंड अब बात कर लेते हैं गाइस जो पोलो के अंदर 1.0 लीटर का MPI पेट्रोल इंजन आता है उसके अंदर क्या कुछ आप लोगों को पावर, डिस्प्लेसमेंट एंड टॉर्क्स ऑफर किए जाते हैं। तो गाइस जो पोलो के अंदर 1.0 लीटर का MPI पेट्रोल इंजन आता है उसकी डिस्प्लेसमेंट भी सेम रहेगी 999cc की, एंड ये इंजन मैक्सिमम पावर 75.1 bhp की जनरेट कर दे देता है, एंड मैक्सिमम टॉर्क आप लोगों को 95 Nm का ऑफर किया जाता है इस इंजन की तरफ से। तो गाइस ओवरऑल पेट्रोल इंजन की स्पेसिफिकेशन आप डिस्कस कर चुके हैं दोनों ही कार्स के। बाकी जो गाइस i20 में डीजल इंजन आता है उसकी स्पेसिफिकेशन आप लोगों की स्क्रीन पर राइट नाउ डिस्प्ले हो रही होगी विद द पेट्रोल इंजन। तो गाइस अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट फैक्टर के ऊपर। नेक्स्ट फैक्टर रहेगा हमारा एक सेफ्टी फीचर्स का फैक्टर। ये भी एक असेंशियल फीचर्स होते हैं, हर किसी की सेफ्टी के लिए चाहिए होते हैं ये फीचर्स। तो इन फीचर्स के बारे में बात करते हैं कि कौन सी कार में क्या फीचर्स ऑफर किए जाते हैं आप लोगों को। तो गाइस आप लोगों को दोनों ही कार के अंदर जो टॉप एंड वेरियंट्स में सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं उनकी बात करेंगे हम लोग। ABS दोनों कार में रहेगा, सेंट्रल लॉकिंग दोनों में रहेगी, पावर डोर लॉक दोनों कार्स में रहेंगे, चाइल्ड सेफ्टी लॉक दोनों कार्स में रहेगा, एंटी थेफ्ट अलार्म पोलो में मिसिंग रहेगा एंड i20 में मिलेगा जो कि एक मिसिंग फीचर है पोलो के अंदर। नंबर ऑफ एयरबैग्स भी गाइस i20 में 6 मिलते हैं, पोलो में 2 मिलते हैं। देख सकते हैं आप लोग बिल्ड क्वालिटी पोलो की ज़्यादा आप लोगों को मजबूत मिलेगी एज कम्पेयर टू i20। एंड उसके बाद आते हैं डे नाइट रियर व्यू मिरर, वो भी पोलो में मिसिंग रहेगा, i20 में रहेगा। i20 गाइस ओवरऑल सारे इक्विपमेंट्स के साथ आती है ओवरऑल। एंड पैसेंजर साइड रियर व्यू मिरर दोनों कार्स में रहेगा, हेलोजन हेडलैम्प्स पोलो में रहेंगे, एंड अपनी i20 में तो आते ही प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है। रियर सीट बेल्ट्स दोनों कार्स में रहेगी, सीट बेल्ट वार्निंग दोनों में रहेगी, डोर अजार वार्निंग अगेन i20 में रहेगी, पोलो में मिसिंग है ये चीज़ भी। साइड एंड फ्रंट इंपैक्ट बीम्स दोनों कार में रहेंगे, एडजस्टेबल सीट्स दोनों में रहेगी, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम i20 में मिलेगा अगेन पोलो में मिसिंग है, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम दोनों में रहेगा, इंजन इमोबिलाइजर दोनों में रहेगा, क्रैश सेंसर दोनों में रहेंगे, इंजन चेक वार्निंग दोनों कार्स में रहेगा, ऑटोमेटिक हेडलैम्प दोनों में रहेगा, एंड EBD पोलो में मिसिंग है जो कि एक काफ़ी बेकार बात लगती है मेरे को गाइस। आज के टाइम के हिसाब से अगर EBD भी नहीं आ रहा तो वेरी बैड। एंड अपनी i20 में मिलता है EBD का फीचर गाइस आप लोगों को, ऑटोमेटिक हेडलैम्प दोनों में रहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल्स दोनों में रहेंगे, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स के फंक्शन दोनों में मिसिंग है, रियर कैमरा भी नहीं मिलता गाइस पोलो के अंदर जो कि एक अगेन बैड फीचर है गाइस, देख सकते हैं आप लोग। एंड एंटी थेफ्ट डिवाइस की बात करें तो दोनों कार्स में रहेगा, स्पीड अलर्ट पोलो में मिसिंग है, i20 में मिलता है जो कि एक असेंशियल फीचर है वो भी पोलो में मिसिंग है, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक दोनों कार में रहेंगे, आइसोफिक चाइल्ड सीट माउंट दोनों में रहेगा, एंड SOS एमरजेंसी असिस्टेंस अपनी i20 में रहेगा पोलो में मिसिंग रहेगी ये चीज़ भी, जियो फेंस अलर्ट भी i20 में रहेगी पोलो में मिसिंग रहेगी, एंड हिल असिस्ट दोनों में रहेगा, इंपैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर लॉक्स दोनों कार्स में रहेंगे। तो गाइस देख सकते हैं पोलो के अंदर काफ़ी सारे फीचर्स जो हैं मिसिंग है सेफ्टी फीचर्स, वहीं पर i20 में मिल जाते हैं गाइस। तो इन फीचर्स को देखने के बाद कहीं ना कहीं मेरे को लगता है i20 के अंदर जो थोड़े बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं वो बिल्कुल वर्थ है। तो गाइस मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट फीचर्स के फैक्टर पे। नेक्स्ट फैक्टर रहेगा गाइस जो कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स आते हैं कार में। तो गाइस पावर स्टीयरिंग दोनों कार्स में रहेगा,
पावर विंडोज दोनों कार्स में रहेंगी, ऑल फोर पावर विंडोज एंड ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल्स दोनों में रहेंगे। एयर क्वालिटी कंट्रोल अगेन पोलो में मिसिंग रहेगा एंड i20 में रहेगा। एंड रिमोट क्लाइमेट कंट्रोल आप लोगों को i20 में मिलता है, पोलो में ये भी मिसिंग रहेगा। रिमोट ट्रंक ओपनर दोनों में रहेगा एंड रिमोट इंजन स्टार्ट स्टॉप वाला जो फीचर है ये आप लोगों को i20 में मिलता है, जो कि एक प्लस पॉइंट है, पोलो में मिसिंग है। एक प्रीमियम फील ऑफर करता है ये आज के टाइम के हिसाब से गाइस ये फीचर, रिमोट इंजन स्टार्ट स्टॉप वाला। लो फ्यूल वार्निंग लाइट दोनों का इसमें रहेगी। एक्सेसरी पावर आउटलेट्स भी दोनों में रहेंगे। ट्रंक लाइट i20 में रहेगी, पोलो में मिसिंग रहेगी। वैनिटी मिरर दोनों में रहेंगे। रियर सीट हेडरेस्ट दोनों में रहेंगे। एडजस्टेबल हेडरेस्ट दोनों में रहेंगे। रियर सीट सेंटर आर्मरेस्ट अपनी i20 में रहेगा, पोलो में मिसिंग रहेगा। हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीट बेल्ट ये भी गाइस एक मेजर फीचर होता है गाइस आज के टाइम के हिसाब से, ये भी पोलो में मिसिंग रहेगा गाइस i20 में मिलेगा। गाइस पोलो में काफ़ी सारे फीचर्स जो है वो मिसिंग है। एंड रियर एसी वेंट्स दोनों में रहेंगे एंड सीट नंबर सपोर्ट दोनों में रहेगा। मल्टी फंक्शनल स्टेयरिंग व्हील दोनों कार्स में रहेगा। क्रूज कंट्रोल्स भी दोनों में रहेंगे। नेविगेशन सिस्टम भी पोलो में मिसिंग है गाइस आज के हिसाब से, ये तो एक नेसेसरी चीज़ है। फाइंड माई कार लोकेशन का फीचर भी पोलो में मिसिंग रहेगा एंड i20 में मिल जाता है आप लोगों को। बेंच फोल्डिंग रियर सीट्स मिलती है दोनों कार्स के अंदर। एंड गाइस इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन भी गाइस पोलो में मिसिंग रहेगा, वहीं अपनी i20 में मिलता है आप लोगों को। लॉक बॉक्स कूलिंग दोनों कार्स में रहेगी। वॉइस कंट्रोल दोनों में रहेंगे। एंड गाइस टेल गेट अजार भी पोलो में मिसिंग रहेगा, अपनी उसके अंदर मिल जाता है i20 के अंदर। एंड गियर शिफ्ट इंडिकेटर पोलो में रहेगा, i20 में मिसिंग है। तो गाइस पहली चीज़ है जो पोलो में i20 में मिसिंग है। बैटरी सेवर i20 में रहेगा, अगेन पोलो में मिसिंग। लेन चेंज इंडिकेटर दोनों में रहेगा। कुछ जो एडिशनल फीचर्स आते हैं उनकी बात करें तो गाइस अपनी i20 में मिलेगा वायरलेस चार्जर विद कूलिंग पैड, एयर कंडीशनिंग, इको कोटिंग, क्लच फुटरेस्ट, पैसेंजर वैनिटी मिरर, इलेक्ट्रिक फ्यूल गेट ओपनर एंड अपना फ्रंट मैप लैम्प, इंटरमिटेंट वेरिएबल फ्रंट वाइपर। तो गाइस ये थे i20 के एडिशनल फीचर्स। पोलो की बात करें तो पोलो के अंदर जो मेन एडिशनल फीचर्स है वो रहेगा रिमोट कंट्रोल, सेंटर लॉकिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ विंडोज विद की रिमोट, जो कि काफ़ी बढ़िया फीचर है। मल्टीफंक्शनल डिस्प्ले, ट्रिप कंप्यूटर भी मिलता है आप लोगों को पोलो में। टेस्ट एंड पोलन फिल्टर भी मिलता है पोलो में, जो कि एक प्लस पॉइंट है। स्पीड सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेयरिंग भी मिलता है पोलो के अंदर आप लोगों को, जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी स्टेयरिंग हैवी हो जाएगा। एंड बाकी फीचर्स की बात करें तो वन टच ऑपरेटिंग पावर विंडो आप लोगों को पोलो में ऑल मिलती है। एंड अपनी i20 में ओनली ड्राइवर साइड विंडो मिलती है एंटी पिंच वाली। एयर कंडीशनर दोनों में रहेगा, हीटर दोनों में रहेगा, एडजस्टेबल स्टेयरिंग भी दोनों में रहेगा, कीलेस एंट्री भी दोनों कार्स में ऑफर की जाती है। इंटीरियर फीचर्स की बात करेंगे इस नेक्स्ट फैक्टर में तो इंटीरियर फीचर्स में गए टैकोमीटर दोनों कार्स में रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक मल्टी ट्रिप मीटर भी दोनों में रहेगा। लेदर सीट्स पोलो में मिसिंग है i20 में मिलती है, जो कि एक प्रीमियम फील ऑफर करती है। फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री अपनी पोलो में मिलती है गैस आप लोगों को, वहीं अपनी i20 में तो जैसा मैंने बताया लेदर सीट अपहोल्स्ट्री रहेगी। लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील दोनों कार्स में रहेगा। लेदर रैप गियर शिफ्टर दोनों कार्स में रहेगा। ग्लव कंपार्टमेंट दोनों में रहेगा। डिजिटल क्लॉक भी दोनों कार्स में रहेगी। डिजिटल ऑडोमीटर भी दोनों कार्स में रहेगा गैस। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट दोनों कार्स में रहेगी। एडिशनल फीचर्स की बात करें तो आप लोगों को अपनी i20 में ब्लैक विद कॉपर इंसर्ट्स इंटीरियर मिलता है आप लोगों को, कलर थीम। लेदर सीट अपहोल्स्ट्री मिलती है विद कॉपर स्टिचिंग एंड पाइपिंग i20 के अंदर। मेटल पैडल्स मिलते हैं i20 में एंड अपनी स्मूथिंग ब्लू एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है आप लोगों को। रियर पार्सल ट्रे मिलती है। पोलो की बात करें हाई क्वालिटी क्रैच रेजिस्टेंट डैशबोर्ड मिलता है, जो कि प्लस पॉइंट है गाइस। कोई भी बच्चा वगैरह अगर नाखून वगैरह लगाए तो कोई चक्कर ना हो। एंड थ्री ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं अबव द डोर, फोल्डिंग विद कॉर्ड हुक्स एट द रियर। एंड रियर स्टोरेज कंपार्टमेंट इन फ्रंट डोर्स इंक्लूडिंग होल्डर्स फॉर कप्स एंड 1.5 लीटर बॉटल्स, सनग्लासेस होल्डर इनसाइड ग्लव बॉक्स, जो कि एक प्लस पॉइंट है, काफ़ी बढ़िया फीचर है। तो गाइस ये हो गए इंटीरियर फीचर्स के बारे में। मूव करते हैं हम लोग लास्ट फीचर्स का फैक्टर है जो वो रहेगा एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन के फीचर्स। तो गाइस एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन के अंदर जो आते हैं फीचर्स वो रहेंगे रेडियो दोनों कार्स में, ऑडियो सिस्टम, रिमोट कंट्रोल पोलो में मिसिंग है i20 में मिलता है, मिरर लिंक पोलो में रहेगा i20 में मिसिंग है, जो कि एक प्लस पॉइंट आता है गाइस पोलो की साइड। ऑल फोर स्पीकर्स दोनों कार में रहेंगे गाइस। वायरलेस फोन चार्जिंग पोलो में मिसिंग रहेगी, अगेन i20 में अवेलेबल है। एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दोनों में रहेगी। USB एंड ऑक्सिलरी आउटपुट भी दोनों में रहेगी गाइस। टच स्क्रीन दोनों कार्स में रहेगी। पोलो के अंदर गाइस नियर अबाउट आप लोगों को
7 इंच की टच स्क्रीन मिलती है, वहीं अपने i20 में आप लोगों को 10.25 इंच की टच स्क्रीन मिलती है। एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले दोनों कार्स में सपोर्ट किया जाता है। नंबर ऑफ स्पीकर्स होनर में 4 रहेंगे, i20 में 7 रहेंगे। जो एडिशनल एडवांस फीचर्स है, i20 में गाइस बोस का प्रीमियम साउंड सिस्टम मिलता है आप लोगों को 7 स्पीकर्स का, फ्रंट ट्विटर्स एंड सब वूफर के साथ। Hyundai ब्लू लिंक विद ओवर द एयर मैप अपडेट्स आप लोगों को मिलती है अपनी i20 में। ब्लू लिंक इंटीग्रेटेड स्मार्ट वॉच ऐप भी मिलती है i20 में, एंड आई ब्लू ऐप का भी फीचर मिलता है आप लोगों को, जो कि एक ऑडियो की ऐप है Hyundai की, ऑडियो सिस्टम की। वहीं अपने पोलो की बात करें, iPod कनेक्टिविटी मिलती है आप लोगों को, फोन बुक सिंस मिलता है, SMS व्यूअर मिलता है, एंड ऐप कनेक्ट मिलती है आप लोगों को, माइक्रोफोन कनेक्ट, जिससे आप लोग ऐप से कनेक्ट कर सकते हैं अपनी कार से। तो गाइस ये हो गए सारे सेफ्टी फीचर्स के बारे में, एंटरटेनमेंट फीचर्स के बारे में, इंटीरियर फीचर्स, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स, इंजन स्पेसिफिकेशन, लुक्स, प्राइसिंग, ओवरऑल सारे फैक्टर्स कवर हो चुके हैं। तो लास्ट फैक्टर रह चुका है, वो रह चुका है हमारा वारंटी का फैक्टर। तो गाइस दोनों ही कार्स के वारंटी ऑप्शन आप लोगों की स्क्रीन पर राइट नाउ डिस्प्ले हो रहे होंगे। तो गाइस अब बात करते हैं कि कौन सी कार आप लोगों के लिए ज़्यादा बेस्ट रहने वाली है, अगर आप लोग दोनों में से कोई प्लान कर रहे हैं। तो गाइस देखो, अगर आप लोगों को एक सिंपल सोबर बेसिक सी कार चाहिए, एंड एक आप लोगों को पावर भी चाहिए, पेट्रोल वर्जन चाहिए, एंड आप लोगों को स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी वगैरह चाहिए, एक जो गाड़ी बहुत टाइम से चलती हुई आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है अब तक, कोई उसके अंदर आप लोगों को डिज़ाइन लैंग्वेज पसंद है, तो गो फॉर द वॉक्सवैगन पोलो। एंड अगर आप लोगों को प्रीमियम फीचर्स चाहिए, एडवांस फीचर्स चाहिए आज के हिसाब से, एंड एक आप लोगों को एजी लुक्स चाहिए, स्पोर्टी लुक्स चाहिए, तो गो फॉर द Hyundai i20, क्योंकि पोलो के अंदर गाइस काफ़ी सारे मिसिंग फीचर्स हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को गिनवाया, इवन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स भी नहीं आते गाइस पोलो के अंदर आज के हिसाब से। वायरलेस चार्जिंग पैड तो काफ़ी दूर की बात है पोलो के लिए। एंड अगर आप लोगों को डीजल इंजन परचेज करना है, उसके लिए भी i20 की तरफ जाना पड़ेगा। तो गाइस मोर ओवर द जो फैक्टर्स हैं उनके लिए आप लोगों को i20 की तरफ जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। थोड़े से पैसे फालतू लग जाएंगे, लेकिन i20 में जाइए। i20 का जो स्पोर्ट्स वेरिएंट है, वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है गाइस। पोलो के अंदर इवन रिवर्स पार्किंग कैमरा तो ऑफर कर देती वॉक्सवैगन, बट वो भी नहीं ऑफर किया जाता। तो गाइस मेरा ओपिनियन यही रहेगा i20 की तरफ जाओ, बट अगर आप लोगों को एक बेसिक सी चीज़ चाहिए, पोलो का डिज़ाइन ज़्यादा पसंद है, लुक्स वैसे हर किसी का पर्सनल फैक्टर है, लुक्स के मामले में मेरे को पोलो पसंद आई, फीचर्स के मामले में एंड इंजन ऑप्शन के मामले में मेरे को i20 पसंद आई, बट पावर पोलो के टर्बो इंजन की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू i20। बाकी नॉर्मल कोई इंजन चाहिए तो गो फॉर i20, प्रीमियम फीचर्स चाहिए गो फॉर i20, एंड जो सर्विस कॉस्ट है वो भी i20 की लो रहेगी एज़ कम्पेयर टू पोलो। आप लोगों की रनिंग ज़्यादा है तो माइलेज i20 की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पोलो, गो फॉर i20। ज़्यादा फैक्टर यही रहेंगे कि i20 की तरफ जाना चाहिए आप लोगों को, पोलो को नेग्लेक्ट करके, बट पोलो की तरफ जा सकते हैं अगर आप लोगों को एक पावर चाहिए, 1.0 लीटर का TSI पेट्रोल इंजन चाहिए। पोलो के एक अलग ही फैंस है, अगर आप लोग पोलो के फैन हैं गो फॉर पोलो, अदरवाइज i20 इज बेटर ऑप्शन फॉर यू। तो गाइस ये था आज का कंपैरिजन। पसंद आया हो तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, काफ़ी मेहनत लगती है गाइस वीडियो को बनाने में, एक सब्सक्राइब तो बनता है। तो बाय गाइस, मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।